आप देख रहे हैं MTCG टुडे न्यूज। इस समय हम बात कर रहे हैं निशा बांगरे जी से, जिनका DSP के लिए सिलेक्शन हुआ है। MPCG टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आपने BE करा है, उसके बाद MBA किया है, इसके बाद आपका कैसे एकदम से रुझान आ गया कि आप DSP के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, मैंने इंजीनियरिंग किया है SATI विदिशा कॉलेज से, और उस समय मैं सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती थी, और उसी समय से मुझे वहां के जिला प्रशासन में कलेक्टर, SP इनसे काफी प्रेरणा मिली कि मैं प्रशासनिक सेवा में आऊं। उसके बाद मैंने गुड़गांव में नौकरी की है एज अ इंजीनियर, और वहां पर भी मुझे यही महसूस हुआ कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकती हूं, और वहां से भी मुझे यह प्रेरणा मिली, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर से अच्छी एक सोशल इंजीनियर बन सकती हूं। इसीलिए मैं BE और MBA करने के बाद भी इस सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। आप किसको अपना आदर्श मानती हैं, अपनी माँ को या अपने पिताजी को? मेरे लिए आदर्श तो वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और माता पिता तो हैं ही डॉक्टर AP। सबसे ज्यादा आपको किसका सपोर्ट मिला, क्योंकि आप खुद एक जॉब कर रही थी, उसके बाद छोड़कर अचानक तैयारी करने लगी, तो किसका ज्यादा सपोर्ट मिला? माता पिता दोनों का सपोर्ट मिला, और शिक्षकों का और मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका भी इस एग्जाम के लिए सपोर्ट था। लड़कियों के लिए आप मॉडल रोल मॉडल हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? लड़कियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि वे अपने आप को कमजोर न समझें, अच्छी शिक्षा हासिल करें, बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। एक महिला होने के नाते आप इस पद के लिए बिल्कुल सक्षम तैयार हैं, क्या लगता है आपको कि अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा पाएंगी आप? जी, मुझे बखूबी लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी। तो लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सबको, आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि वे अपनी शक्ति को पहचानें, अपना लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करने में कड़ा परिश्रम करें, मेहनत करें और अपने आप को कमजोर ना समझें। मुझे मेरे परिवार और इष्ट मित्रों को काफी खुशी का एहसास हो रहा है। वास्तव में गृह विभाग की नौकरी बेटियों को प्राप्त होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है, और इसलिए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सशक्त नारी सब पर भारी, अर्थात महिलाएं सशक्त बनने की दिशा में काम करें, क्योंकि वास्तव में संस्कार बनाने की दिशा में महिलाओं का जो योगदान समाज को मिलता है उतना बड़ा योगदान किसी भी व्यक्ति का नहीं मिल सकता। MPCG टुडे के लिए कैमरामैन विशाल के साथ शक्ति भारती, बैरागढ़ भोपाल। आप देख रहे हैं MPCG टुडे न्यूज। अधिक जानकारी और खबरों के लिए लॉगिन करें www.mpcgtoday.com पर।